Big hand for Dr. Preeti Gupta from Sarvodaya. So ladies and gentlemen, right now हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति गुप्ता फ्रॉम लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर फ्रॉम बुंदेलखंड रीजन, जिनको अभी अभी यहाँ पर बेस्ट IVF हॉस्पिटल इन झांसी का अवार्ड मिला है. सो सबसे पहले तो आई वुड लव टू आस्क कि आपको कैसा लग रहा है अवार्ड लेकर. डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं जिस जगह में रहती हूँ वहाँ IVF करना इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग चैलेंज एंड आई एम रियली लविंग इट. सो डेफिनेटली जिस रीजन में आप रहती है वहाँ पर लोगों की जो थिंकिंग है थोड़ी नैरो माइंडेड है, थोड़े कंजर्वेटिव लोग आपको मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इस प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप आए दिन फेस करते हैं. सी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मैं रोज़ फेस करती हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट आई डू ऑल मॉडर्न वर्क लाइक लैप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टमीज. तो लोग मानते ही नहीं है कि दूरबीन से बच्चेदानी निकल सकती है. लोगों को ये होता है जला देते हैं, छोड़ देते हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस देम कि नहीं आप लैप्रोस्कोप से कराओ, जबकि यहाँ मेट्रोज में हर कोई लैप्रोस्कोप से ही कराना चाहता है कि अपना एक दिन में घर चले जाओ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ आपकी बॉडी को कम से कम वो मिलता है. ऐसी IVF में अगर हम पेशेंट को बोलें, मान लो अगर क्लियर कट इंडिकेशन है IVF का, स्टिल पेशेंट विल रन अवे, क्योंकि उसको लगेगा IVF तो सबसे लास्ट में होना चाहिए. टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कराना, हमारा अपना बच्चा होना चाहिए. एंड सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में आपका अपना बच्चा नहीं होता, ये किसी और का होता है. तो वो समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड 8 साल से मैं IVF कर रही हूँ एंड आई हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. एट टाइम शुरू में रिजल्ट्स नहीं आए, उसके बाद से ऑलमोस्ट 100% तक रिजल्ट्स आए हैं मेरे बैच में, जो कि इट इज़ रियली कमेंडेबल एंड 50% से ऊपर हमेशा ही आते हैं. वाओ, दिस इज़ ट्रूली अप्रिशिएबल. आपने बहुत सारे डाउट्स हैं आई थिंक जो यहाँ पर सभी ऑडियंस के क्लियर करे होंगे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल द मीडिया एंड स्पेशली यू. थैंक यू.